नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान-ए-मन सीज़न फ़ोर। जहान-ए-मन सीज़न फ़ोर में हम बात कर रहे हैं फ़ीमेल रोल मॉडल्स की, और आपके सामने मैं जिस रोल मॉडल का ज़िक्र आज करूँगी वो एक बहुत ही मशहूर सहाबिया हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात में शामिल हैं और जिनको ज़ू हिजरतैन होने का शर्फ़ हासिल है। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ज़ू हिजरतैन क्या है। बात दरअसल ये है कि हिजरत अल्लाह की राह में अपने घर बार छोड़कर जाने को कहते हैं, और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की थी तो उस वक्त जब वहाँ के कुफार ने लोगों को परेशान करना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि अगर आप वो चाहें तो वो हबशा की तरफ हिजरत कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म आया। तो इसका मतलब कि दो दो हिजरतें वाक़ हुईं, और हज़रत उम्मे सलमा वो खातून हैं, वो सहाबिया हैं जिन्होंने दो दो हिजरतें कीं। वो पहले तो हबशा गईं अपने पहले शोहर उम्मे अबू सलमा के साथ, और वहाँ उन्होंने जाकर के तमाम मुसलमानों के साथ जो एक वफ्त वहाँ पहुँचा था, और जैसे नजाशी से बात हुई थी उसके दरबार में, और नजाशी ने उनको वहाँ सहारा दिया और कहा कि आप लोग यहाँ रह सकते हैं, तो वो उस काफ़िले में शामिल थी जो काफ़िला की हबशा की तरफ हिजरत करके गया था। उसके बाद जब वहाँ से वापस आए और जब मदीना के लिए हिजरत की इजाज़त मिली तो फिर इन दोनों ने इरादा किया कि वो मदीना हिजरत करने के लिए मदीना हिजरत करें। उस वक्त उनके घर वालों ने, अबू सलमा के घर वालों ने ये कहा कि उनके बच्चे को भी उनसे ले लिया और उनके शोहर को भी मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं जा सकते हैं, अगर आपको जाना है तो आप जाएं। चुनांचा वो अकेले ही हिजरत के लिए निकल गई, और हालांकि अपने बच्चे के गम में हमेशा मगमूम रहती थी और हमेशा ये सोचती रहती थी कि किस तरह से बच्चा उनसे मिल जाए, बहरहाल कुछ अकाबरीन ने इस बात को महसूस किया और उनके घर वालों को शर्म दिलाई और आर दिलाई और कहा कि किस तरह एक बच्चे को एक माँ से जुदा कर रखा है। तो चुनांचा उन्होंने बच्चा वापस कर दिया और वो अपने बच्चे को लेकर के ही हिजरत के सफ़र पर रवाना हुई। यहाँ तक कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि कहाँ का इरादा है। उन्होंने कहा मैं मदीना जा रही हूँ, मैं हिजरत करके जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे अकेले जाएंगी आप। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको सहारा दिया और उन पर बिठा करके उनको मदीना में वहाँ तक छोड़ा है जहाँ से के बस्ती नज़र आने लगी और बिल्डिंगें नज़र आने लगी थी। तो ये है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि तारीख़ में बहुत मशहूर हैं और जिनकी हिम्मत और हौसले की हमें दाद देनी चाहिए। जब वो मदीना हिजरत करके गईं तो उनके शौहर भी उनके साथ आ गए। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर रहने लगे और दीन की खिदमत अंजाम देने लगे। हज़रत उम्मे सलमा अपने शौहर की बहुत ही खिदमत गुजार और बहुत ही मोहब्बत करने वाली खातून थी। उन्होंने अपने शौहर से एक बार यह कहा कि मैंने सुना है कि अगर कोई बीवी अपने शौहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी नहीं करती है तो वो जन्नत में उसी के साथ उठाई जाएगी, यानी कि उसी की बीवी रहेगी, और इसी तरह अगर कोई शौहर बीवी के मरने के बाद शादी नहीं करता है तो जन्नत में उसी बीवी के साथ रहेगा। इसलिए आइए हम दोनों मिलकर ये अहद करते हैं कि हम में से कोई भी जो पहले मरेगा वो फिर शादी नहीं करेगा। तो तुम्हें सलमा हज़रत अबू सलमा ने कहा कि क्या तुम मेरी बात मानोगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं ये बात कह रही हूँ आपके सामने। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी बात मानना और तुम दूसरी शादी ज़रूर कर लेना। ये एक बात उन्होंने कही, और फिर हुआ ये कि हज़रत अबू सलमा का एक किसी जब वो किसी जंग में जा रहे थे और वहाँ पर बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए वहाँ उनका इंतकाल हो गया, और उस वक्त जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत उम्मे सलमा बहुत ज़्यादा सदमे में थी क्योंकि वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, और हज़रत उमर ने उनके पास रिश्ते का पैगाम भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया, अबू बकर ने उनके पास रिश्ते का पैगाम भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस रिश्ते में कोई ख़राबी नहीं पाती हूँ और मैं तो बहुत ही अपनी इज़्ज़त अफज़ाई समझूंगी अगर मैं इस रिश्ते को कबूल करूँ, लेकिन मेरी दो तीन बातें हैं जो उन तक पहुँचाते हैं। एक तो ये कि मेरे पास बच्चे हैं जिनकी देखभाल मेरी ज़िम्मेदारी है, दूसरी ये कि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, और तीसरी बात यह है कि मेरा कोई वली नहीं है, और फिर चौथी बात यह है कि मैं गैरतमंद हूँ और मुझे गुस्सा आ जाता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका यह जवाब दिया कि जहाँ रही बात बच्चों की तो वो आपके बच्चे हैं, उनकी परवरिश और पर्दाख्त में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपका कोई वली होता भी तो शायद उसको हमसे निकाह करने में कोई एतराज़ नहीं होता, और जहाँ तक उम्र का सवाल है तो उम्र में तो मैं आपसे बड़ा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चुनांचा इस तरह वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई और उनको ये शर्फ हासिल हुआ, और उसके बाद उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खिदमात अंजाम दी, यहाँ तक कि शादी की रात में भी उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से जौ को पीसा, उससे रोटी बनाई, उसका मलीदा बनाया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनावुल फरमाने को दिया।
ये एक ऐसी मिसाल है जो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा सबक आमोज़ है कि एक आजकल की शादियों की तरह नहीं है कि लोग उसमें शादियों में बेजा इसराफ भी करते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे जिसकी शादी हो रही है वो कोई माँ फौकुल फितरत शख्सियत है जो कि कुछ काम ही नहीं कर सकते। वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे काम बहुत सादगी के साथ हुआ करते थे, चुनांचे उनका निकाह भी बहुत सादगी से हुआ और वो अपने बच्चों की देखभाल में, उनकी तरबियत में, उनकी परवरिश में हमेशा मेहनत मुशक्क़त से काम करती थी और हमेशा उनकी फ़िक्र में रहा करती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि ये तुम जितनी भी मेहनत कर रही हो अल्लाह उसका सिला देगा और अज्र देगा। वो एक फ़कीहा भी थी, मुहद्दिसा भी थी और लोग उनके पास आते थे फतवे के लिए भी और वो हमेशा ऐसा फतवा दिया करती थी जो कि बहुत ही काबिल कबूल और बहुत वाज़े होता था, जिसमें किसी भी शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। इस तरह से हज़रत उम्मे सलमा की ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाली ज़िंदगी है, एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें कि हम देखते हैं कि वो ज़माने के उतार चढ़ाव का किस तरह से मुकाबला करती हैं, वो किस तरह से अपनी इज़्ज़त व इस्मत की हिफाज़त करते हुए ज़माने के साथ साथ अपने बच्चों की भी देखभाल करती हैं और उसके साथ साथ वो एक फ़कीहा और एक ज़ाहिदा भी साबित होती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी रफ़ाक़त बहुत मशहूर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हमेशा बहुत ही महबूब रखा करते थे तमाम अपनी और दूसरी बीवियों की तरह। और इस तरह अगर हम उनकी ज़िंदगी से कुछ नसीहतें हासिल करना चाहें तो हम ये नसीहत ले सकते हैं कि हमें अपने मिशन में किस तरह हिम्मत और हौसले के साथ डटे रहना चाहिए और वक्त आएगा जब ऊपर वाला हमारा साथ देगा और हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। तो बहनों आज के लिए इतना ही, हमें उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही मिसाली खातून के साथ जिससे हम करेंगे अपनी ज़िंदगियों को रोशन। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।